गुड मॉर्निंग, मैं इस वक्त ज़ग्रेब में हूँ और तारीख आज 8 अक्टूबर है। मॉर्निंग का सुबह का टाइम है 7:20, ज़ग्रेब का। इंडिया का नियर अबाउट 10:30 होंगे सुबह के। मेरी 6 तारीख की फ़्लाइट थी, मुझे फ़्लाइट पे बैठने नहीं दिया। उसका कारण था कि मेरे पास RT-PCR टेस्ट नहीं था। और कल मैं फिर परसों मैंने 6 तारीख को मैंने अपने RT-PCR टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया, बट एक इंडियन से उन्होंने कहा कि 600 कूना मत दीजिए, 150 कूना के अंदर ही आपका टेस्ट हो जाएगा, एंटी एजिंग टेस्ट। तो उन्होंने कहा कि हमने करवा लिया है, 2 लोगों ने, तो हम जा रहे हैं। और वह 7 तारीख की उनकी फ़्लाइट थी, यानी कि कल। जब वो कल गए, उनको भी फ़्लाइट पे बैठने नहीं दिया क्योंकि एंटी एजिंग टेस्ट नहीं चलता, ओनली RT-PCR टेस्ट इंडिया गवर्नमेंट की डिमांड है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कोई भी एयरलाइंस आपको फ्लाई नहीं करने देगी। और इस वक्त मैं ज़ग्रेब में हूँ, अपना RT-PCR टेस्ट कराने के लिए मॉर्निंग आया हूँ। अभी मेरे पास वीज़ा है, बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा हूँ, कोई भी इंसान ये गलती ना कर ले कि मैं बिना RT-PCR टेस्ट के मैं फ़्लाई कर लूँगा, नहीं पॉसिबल है। कोई भी एयरलाइंस आपको फ़्लाई करने नहीं देगी, चाहे आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कोशिश कर लो। तो आपका सेकंड पासपोर्ट, आपका अब जो पहला पासपोर्ट आपके हाथ में है वो पासपोर्ट अब सेकंड हो गया, फर्स्ट पासपोर्ट आपका RT-PCR टेस्ट है। और ज़ग्रेब में 600 कूना नियर अबाउट्स 7,000 से ऊपर बन जाता है, यानी 8,000 रुपये करीब बन जाएगा, 8,000 कुछ रुपए का एक टेस्ट इंडिया ज़ग्रेब से इंडिया के लिए होगा। ज़ग्रेब की करेंसी कूना है, कूना को काउंट करते हैं 600 कूना, तो वो करीब 8,000 से ऊपर बन जाता है, यानी 8,000 रुपये का टेस्ट है इंडियन के हिसाब से। आप सोच समझ के करिएगा, आपको ज़ग्रेब आना है, 8,000 का टेस्ट भी आपको कराना पड़ेगा वापस में जाते वक्त इंडिया, अगर आपने जाना है, क्योंकि इंडिया से तो 500 रुपये में होता है, यहाँ से यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंगली सस्ता है, बट हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो बहुत कॉस्टली है। तो ये सभी लोग अपना टास्क करवाने आए हैं RT-PCR टेस्ट, और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसी के पास शायद नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये गलती मत कर लेना, काफ़ी लोगों ने गलती करी है, मैंने करी है, 2 लोगों ने और भी करी है। एंटी एजिंग टेस्ट मत करवाइएगा, ओनली RT-PCR टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। मास्क बिल्कुल नहीं उतारना यहाँ पर, तो किसी भी गलती मत करना। ओके, मैं अब रखता हूँ फोन, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, RT-PCR टेस्ट आप करवा लीजिएगा जिस भी कंट्री में जाते हैं और वापस आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।